नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चरम सीमा पर पहुंचा अन्ना हजारे का आंदोलन, समर्थन में पनवेल में भी निकाली गई रैलियां। संस्कार प्रतिष्ठान का दही हंडी महोत्सव होगा गोविंदाओं के लिए आकर्षण का सबब, प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों का दावा। आयोजन की जानकारी देने के लिए बुलाई पत्रकार परिषद। एमएससीबी की मनमानी से परेशान तुरमाले गांव की जनता, कैमरे के सामने बयां किया मन का आक्रोश। और नगराध्यक्ष संदीप पाटिल की सराहनीय पहल, 15 लाख रुपयों की लागत से बनाई जा रही गटर योजना का बुधवार को हुआ भूमि पूजन। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के नेता अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर जो रण संग्राम छेड़ा है उसे देश के हर कोने से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां इस जंग में उतर चुकी है और अब जनता भी अन्ना हजारे के समर्थन में रास्ते पर उतरने लगी है। पनवेल स्थित सुशील गार्डन के रहवासी तथा खांदा कॉलोनी के रहवासियों ने मंगलवार को अन्ना के समर्थन में रैलियां निकाली। अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया रण थमने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए जन लोकपाल बिल पारित किया जाए, इसलिए अन्ना ने जो अनशन शुरू किया है उसे हर स्तर से समर्थन मिल रहा है। पनवेल स्थित सुशील गार्डन सोसाइटी के सदस्यों ने रैली निकालकर और नारेबाजी कर अन्ना को अपना समर्थन जताया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अन्ना आगे बढ़ो। तो खांदा कॉलोनी में कैंडल मार्च कर यहां के रहवासियों ने अन्ना के आंदोलन को समर्थन दिया। इन दोनों जगहों पर निकाली गई रैलियों की विशेषता ये रही कि बच्चों से लेकर महिलाएं भी इस रैलियों में बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। अब तो आने वाला समय ही तय करेगा कि सरकार कब नींद से जाग उठती है और कब जनता की मांग पर फैसला करती है। कैमरा पर्सन दत्ता मोकल के साथ कर्नाला टीवी के लिए चेतना वावेकर की रिपोर्ट। हर बार कुछ न कुछ हटके करने वाले संस्कार प्रतिष्ठान द्वारा इस बार भी बड़े पैमाने पर दही हंडी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए सोमवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। पनवेल स्थित सरकारी विश्राम गृह में आयोजित इस पत्रकार परिषद में पत्रकारों को जानकारी देने के लिए प्रतिष्ठान के पदाधिकारी उपस्थित थे। पिछले साल की तरह इस साल भी नवीन पनवेल स्थित संस्कार प्रतिष्ठान अपनी अलग विशेषताओं के साथ फिर एक बार दही हंडी के आयोजन में उतरा है। हम आपको बता दें कि 2010 में संस्कार प्रतिष्ठान द्वारा गोविंदाओं के लिए बड़ी बड़ी इनाम राशि लगाई गई थी और बाकायदा उसे वितरित भी किया था। आमतौर पर राजनीतिक दलों के गोविंदा मंडल बड़ी बड़ी इनाम राशियां जाहिर तो करते हैं, मगर जब देने का समय आता है तब अपनी घोषणाओं से मुकर जाते हैं। मगर संस्कार प्रतिष्ठान ने पिछले साल 1,21,111 रुपये की इनाम राशि लगाई थी, उसे विधायक विवेक पाटिल के हाथों वडाला मुंबई के यश गोविंदा दल को प्रदान कर नई मिसाल कायम की थी। पिछली बार संस्कार प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित दही हंडी महोत्सव में उमेश कामत, प्रिया बापट जैसी फिल्मी हस्तियों के साथ साथ सारेगमा प का विजेता महागायक अभिजीत कोसंबी, प्रसन्नजीत और आनंदी जोशी जैसे मशहूर गायक शामिल हुए थे। और यही वजह है कि संस्कार प्रतिष्ठान का दही हंडी महोत्सव उत्सुकता का विषय बन गया है। हर बार कुछ न कुछ हटके करने वाला संस्कार प्रतिष्ठान इस बार क्या तैयारियां करके मैदान में उतरा है, इसकी जानकारियां देने के लिए प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों ने पनवेल स्थित सरकारी विश्राम गृह में सोमवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जहां पत्रकारों को जानकारी देने के लिए प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष मल्लिनाथ गायकवाड़, उपाध्यक्ष नगर सेवक अशोक शेलके, सचिव पूर्व नगर सेविका शशिकला सिंह, मधुसूदन देसाई तथा सचिन गायकवाड़ आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष मल्लिनाथ गायकवाड़ ने उपस्थित पत्रकारों को दही हंडी महोत्सव के बारे में जानकारी दी। दही हंडीचं स्वरूप है एक सामाजिक संघटना म्हणून आम्ही काम करत असताना केवळ एक सांस्कृतिक किंवा मनोरंजनाचा कार्यक्रम या दृष्टीने न बघता आम्ही संस्कार प्रतिष्ठानचे जे पदाधिकारी आहोत ते बसलेले सगळे अशोक शेळके, नगरसेवक अशोक शेळके, नगरसेविका शशिकला सिंग, आमचे सचिव मधुसूदन देसाई, मी स्वतः कार्याध्यक्ष या नात्यानं, सचिन गायकवाड आहे इथे, आमचे काही कार्यकर्ते आहेत, तर आम्ही एक दृष्टिकोन ठेवलेला आहे की केवळ मनोरंजनात्मक न होता जो जगाला शांतीचा संदेश देणारा श्रीकृष्ण आहे, आज पण देशाची सगळीच परिस्थिती आपण सगळे जाणतोय कुठल्या कुठल्या संकटातून देश आहे, आणि श्रीकृष्णानं जे अभिवचन दिलेलं आहे यदा यदा ही धर्मस्य मध्ये, जेव्हा जेव्हा
त्यांनी धर्म संकटात म्हटलेलं आहे, पण आपण आज आपला देश संकटातून जात आहे अशा वेळेला पुन्हा एकदा आपण या दहीहंडीच्या रूपानं श्रीकृष्णाला साकडं घालावं आणि पुन्हा एकदा या जमिनीवर येऊन आमच्या देशाला तार किंवा देशाला देशाचा तारणहार बन असे जे एक संदेश या दृष्टीनं किंवा श्रीकृष्णाला एक विनवणीच आपण प्रार्थनाच या दृष्टीतून करायची आहे असा हा आमचा एक उद्देश आहे आणि अशा स्वरूप अशा प्रकारचं स्वरूप आमच्या या दहीहंडीचं असणार आहे। पनवेल स्थित तुरमाले गांव की जनता बिजली की किल्लत से परेशान थी, जिसके चलते ग्रामवासियों ने अपनी मांगों को लेकर एमएसीबी को एक ज्ञापन दे दिया, मगर एमएसीबी के अधिकारी ऐसी जगह पर ट्रांसफार्मर बिठा रहे हैं जिससे कुछ परिवार बाधित होने वाले हैं। ऐसे में ग्रामवासियों के मन में एमएसीबी के खिलाफ काफी असंतोष फैला है। पनवेल बिजली विभाग के क्षेत्र में आने वाले कंटेनर यार्ड्स या औद्योगिक विभागों को बड़े पैमाने पर बिजली मुहैया कराई जाती है और तो और उन्हें लोड शेडिंग का किसी भी प्रकार का शेड्यूल नहीं दिया जाता। औद्योगिक विभाग एवं कंटेनर यार्ड्स के मामले में नरमाई बरतने वाले महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामवासियों के साथ घोर अन्याय करने की ठान ली है। हम बात कर रहे हैं पनवेल तालुका अंतर्गत तुरमाले गांव की। वैसे यहां के नागरिकों को पिछले कई सालों से बिजली की समस्या सता रही थी। गांव के सरपंच रविशेठ चोरगे ने एमएसईबी को ज्ञापन देकर पर्याप्त मात्रा में बिजली मुहैया कराने की मांग की थी। उनकी मांग के अनुसार एमएसईबी ने गांव में एक ट्रांसफार्मर तो बिठा दिया, मगर उससे सप्लाई की जाने वाली बिजली पूरे गांव को पर्याप्त नहीं हो रही थी, लिहाजा गांव के कुछ परिवार तो अंधेरे में ही जी रहे हैं। हालांकि दूसरे ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर सरपंच रविशेठ चोरगे ने पहल तो की है, मगर एमएसईबी के अधिकारी अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रामवासी जहां पर ट्रांसफार्मर बिठाने की मांग कर रहे हैं, वहां पर ट्रांसफार्मर बिठाने के बजाय एमएसईबी के अधिकारी ऐसी जगह पर ट्रांसफार्मर बिठाने की रट लगाए हुए हैं, जिससे गांव के कुछ परिवार बाधित होने की संभावना है। ऐसे में ग्रामवासियों के मन में एमएसईबी के खिलाफ काफी असंतोष है। गांव में एमएसईबी के नकारापन से परेशान तुरमाले ग्रामवासियों ने हमारे कैमरे के सामने अपने असंतोष को जाहिर किया। गेले एक महीना पूर्वी 5 ते 6 पोल आमच्या लाईन ते तुटलेले असताना ॲडिशनल ट्रान्सफॉर्मर आम्हाला बसवून दिलेला होता, पण तो ॲडिशनल ट्रान्सफॉर्मर 100 KV असल्यामुळं तो गावाचा लोड घेऊ शकत नाही आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की 200 ट्रान्सफॉर्मर ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला आम्ही तुम्हाला ही लाईन चालू करून देऊ। आणि आमच्या ह्या पूर्वी 200 ट्रान्सफॉर्मर आहे त्या ट्रान्सफॉर्मरवर गिरवला रोडच्या अलीकडे म्हणजे गिरवला रोड फार्म हाऊस आहेत तेवढे फार्म हाऊस ह्याच ट्रान्सफॉर्मरवरून चालतात। तसेच ठोकळ आणि ठोकळांच्या आजूबाजूचे जे वेअरहाऊस आहेत आणि हॉटेल वृंदावन गोल्डन बेल ह्या हे हॉटेल आणि हा परिसर ह्याच ट्रान्सफॉर्मरवरून चालू आहे, त्याच्यामुळं आमच्या गावाला जुनी मराठी शाळा आणि जाधववाडा इथपर्यंत लाईट पोचत नाही आणि कमी व्होल्टेज असल्यामुळं मी ॲडिशनल ट्रान्सफॉर्मरची मागणी केली होती, पण ॲडिशनल ट्रान्सफॉर्मर 100 दिल्यामुळं तिथं आजपर्यंत चालू करून दिलेलं नाही। आणि आमची अशी मागणी होती की ह्या रस्त्याच्या कडेने जिल्हा परिषदचा रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या कडेने एकच लाईट करून द्या आणि एक ॲडिशनल जो आहे तो गिरवल्याच्या रस्त्यावरचे जेवढे फार्म हाऊस आहेत त्यांना तुम्ही तो वर्ग आणि हा एक आमच्या गावासाठी स्पेशल ठेवा, जेणेकरून आमच्या हायवेवरनं येणारे जे आमचे लोक आहेत रात्री अपरात आणि रस्त्या गाव रस्त्यापासून दूर असल्यामुळं 1 किलोमीटर असल्यामुळं तिथे डाकेत पडतात। इस मामले का एक पहलू और भी है कि जहां कंटेनर यार्ड्स और औद्योगिक विभाग द्वारा करोड़ों के बिजली बिल भुगतान नहीं किए जाते, वहां ग्राम पंचायत द्वारा बिजली बिल की मामूली बकाया राशि ना भरने पर एमएसईबी के अधिकारी ग्राम पंचायत का बिजली कनेक्शन तोड़ देते हैं, जिससे ग्रामवासियों को पीने के पानी से वंचित रहना पड़ रहा है। समस्या आमचा महिलांचा मेन पाणी असतं, त्याच्यामुळं पाणी लाईट थोड्या वेळ 2-4 महिने किंवा 1 महिना जर बिल भरला नाही लाईटचा तर हे मी सिवले लगेच कट करतात आणि 2-3 दिवस तक्रार करून सुद्धा येत नाही आणि आमचे पाणी पंचायत होते। तसंच व्होल्टेज आम्हाला कमी असतं आणि एवढा कमी व्होल्टेज असून सुद्धा ते बाहेरच्या लोक लाईट देतात, त्याच्यामुळे आमची खूप पंचायत होते। इस दौरान सरपंच रविशेठ चोरगे ने आरोप लगाए हैं कि एमएसईबी के भ्रष्ट अधिकारी ग्रामवासियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गेल्या 35 वर्षापूर्वी टाकलेले ते काम महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाकडे आम्ही वारंवार करू सुद्धा
त्या तक्रारीचा अद्याप काय उत्तर आलेला नाही आणि दोन वर्षापूर्वी मीर श्रावण पाटील यांच्या घरावर तो पूल पडला आणि नशिबाने जीवितहानी झाली नाही आणि त्या काळामध्ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचे डेप्युटी एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे उपअभियंता येऊन त्यांना त्या कौलं फुटली काय फुटली त्यात बदल्यामध्ये काहीतरी पैसे दिले आणि तो प्रकार मिटवला. पण वेळीच आम्ही वारंवार सुचवून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला लेखी तक्रार देऊन गेल्या म्हणजे ह्याच गाव एकाच गावातली समस्या नाही चिरवत चिंचवण सांगली आणि चार लेखी तक्रार देऊन सुद्धा ते पोल विजेचे खांब बसवलेले नाहीत. महज 6 महीने के लिए नगराध्यक्ष पद पर विराजमान हुए संदीप पाटिल ने अपने छोटे से कार्यकाल में जो विकास कार्यों का सिलसिला शुरू किया है उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है. बुधवार को संदीप पाटिल की अगुवाई में गटर के 2 कामों का भूमि पूजन शेकापक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत तथा वरिष्ठ नेता अनंता शेड़ भोईर के हाथों किया गया. स्वच्छ और सुंदर पनवेल के लिए नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने विकास कार्यों को वायु गति से अंजाम देना शुरू कर दिया है. बुधवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल की अगुवाई में रूपाली टॉकीज से लेकर सावली सोसाइटी तक और MTNL से लेकर साइज सोसाइटी तक के गटर के काम का भूमि पूजन शेकापक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत तथा शेकापक्ष के वरिष्ठ नेता अनंत शेठ भोईर के हाथों किया गया. तकरीबन 15 लाख रुपयों की लागत से इन दोनों गटरों का काम किया जाने वाला है. इस अवसर पर पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, नगर सेवक सुनील बहिरा, पूर्व नगर सेवक वजूभाई सादराणी, प्रदीप सावंत, पंचायत समिति के पूर्व उप सभापति लक्ष्मण मोकल, करनाला स्पोर्ट्स अकेडमी के संचालक आनंद धुरी, विधायक विवेक पाटिल के स्वीय सहायक कृष्णा पाटिल, अभय मोरे आदि गणमान्य उपस्थित थे. इस अवसर पर नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने इस गटर योजना के बारे में हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी. रूपाली टॉकीज रस्त्याच्या सावली सोसायटी ते महाराष्ट्र बँक आणि MTNL च्या पाठीमागचे साईस नगर सोसायटी असा RCC बंदिस्त गटर जवळजवळ 15 लाख रुपये खर्चाचा कामाचा भूमिपूजन इथं आम्ही शेतकरी कामगार पक्षाचे तालुका जिल्हे नारायण करत आणि सभापती यांच्या सुभाष केलेला आहे. हा काम वास्तविक याच्या अगोदरच करून घ्यायला पाहिजे होतं परंतु इथल्या स्थानिक नगरसेवकांनी म्हणायचे लोक का दुर्लक्षित केले समजणार नाही. पण आता आल्याच्या नंतर आम्ही ताबडतोब प्रथम या रस्त्याचं नाल्याचं काम RCC गटाराचं चालू केलेलं आहे आणि मला निश्चितच खात्री आहे की पुढील 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये हा काम पूर्ण होईल आणि अशाच प्रकारची विकासाची गंगा यापुढे या महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही चालू ठेवणार आहोत अशी ग्वाही देतो. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए करनाला TV. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर करनाळा. करनाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक करनाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार Grade 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक करनाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. NPA चे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट वर आकर्षक व्याज दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबई द्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक, त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव,
बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते 6:30 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745911, 2746200 आणि 3298-3363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांसा, इंडिगो सीएस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहाँ तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. डीमार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डीमार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डीमार्ट. डीमार्ट मध्ये आहेत 8,000 पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटी, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा. डीमा कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डीमा दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डीमार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डीमार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डीमार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 91-67-30-75-80, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डीमार्ट, जनहिताचा निर्वाळा दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबई सह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. अण्णा हजारे पर अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है. अण्णा हजारे के आंदोलन से जुड़ी पल पल की खबर हर भारतीय अपने अपने टीवी सेट पर देख रहे हैं. ऐसे में सत्ता सुख भोग रही देश की वर्तमान कांग्रेस सरकार क्यों भीगी बिल्ली बनी हुई है, जान लेते हैं खबर के जरिए. रालेगन सिद्धि का मामूली इंसान, जिसका न घर परिवार, न दौलत, न ही वो कोई सेलिब्रिटी है, मगर एक ऐसा शख्स जो 121 करोड़ भारतीयों की आवाज बन गया
जिसने लोगों को आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को वो शक्ति दी कि लोगों के दिलो दिमाग में बस वही नशा छाया हुआ है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे आपके अन्ना हजारे। अन्ना की बेलाग सीधी सादी बातें भारतीयों के समझ में आ गई। सब जान गए कि अब आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का वक्त आ चुका है। अब आ गए हैं फिर से नए रूप में महात्मा गांधी। तभी तो सभी भारतीय पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ दो हाथ करने के लिए सड़क पर उतर आए। ये वही अन्ना हजारे हैं जो सूचना के अधिकार की लड़ाई पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिल गई है। कई नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को अन्ना हजारे की वजह से घर का रास्ता दिखाया गया है। जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद किया तब सरकार अपनी मस्ती में चूर थी। सरकार ने सोचा कि जब बाबा रामदेव के आंदोलन की हमने हवा निकाल दी थी तो भला अन्ना क्या चीज है। अन्ना पर केंद्र सरकार ने काफी आरोप लगाए। सरकार को लगा था कि पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकारी दांव खुद उनके गले की हड्डी बन गए। शेर की तरह नशे में चूर होकर कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे जिस तरह से दहाड़ रहे थे, अब वही नेता बकरी की तरह मिमियाने लगे हैं। उनका सारा दांव धरा का धरा रह गया है। अन्ना के दृढ़ निश्चय के आगे सरकार की एक न चली। अन्ना जेल में अनशन कर रहे थे और हजारों की संख्या में लोग पूरी रात जेल के बाहर प्रार्थना करते नजर आए। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं थी। अमूमन देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए भाड़े के कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं स्फूर्ति से लोग पहुँचे थे। क्या बूढ़ा क्या जवान, महिला और बच्चे भी इस भीड़ का हिस्सा बन चुके थे। जन लोकपाल बिल पर कांग्रेस सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। अब तक कई राजनेता तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार की वजह से जेल की रोटियां खा रहे हैं। सत्ता के मद में चूर कांग्रेस सरकार आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सरकार ने जनता की आवाज को जितना दबाया उतनी वो आवाज बुलंद होती गई और अन्ना की ताकत, अन्ना की लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। अब अन्ना के आगे केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार बौनी नजर आने लगी है। इस मामले का एक पहलू और भी है। भले ही सरकार ने अन्ना के आगे घुटने टेक दिए हो, लेकिन यह सच है कि आजादी की लड़ाई में जीत उतनी आसानी से नहीं मिली है। अगर इसी प्रकार सभी भारतीय एकजुट हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि भारत से भ्रष्टाचारियों का नामो निशान मिट जाएगा। अन्ना हजारे द्वारा जलाए गए इस दिए की रोशनी से पूरा भारत रोशन हो चुका है। बस जरूरत है कि दिए की लौ सदा के लिए जलती रहे और रोशन होती रहे। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। वहाल तंटा मुक्ति ग्राम समिति के तत्कालीन अध्यक्ष रमन शेठ घरत का हाल ही में देहांत हुआ। उनके रिक्त स्थान पर शेका पक्ष के युवा कार्यकर्ता रविंद्र विश्वनाथ पाटिल की नियुक्ति की गई। उनके इस उपलब्धि पर शेका पक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, सरपंच नीलेश कड़ू आदि ने उन्हें बधाइयां दी। वहाल गांव की महात्मा गांधी तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष पद पर शेका पक्ष के युवा कार्यकर्ता रविंद्र विश्वनाथ पाटिल की मंगलवार को नियुक्ति की गई। उनकी इस नियुक्ति पर वहाल ग्रामवासियों द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर शेका पक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, शेका पक्ष के वरिष्ठ कार्यकर्ता विश्वनाथ पाटिल, सरपंच नीलेश कड़ू, उप सरपंच रंजना घरत आदि गणमान्यों सहित वहाल ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर नारायण घरत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविन्द्र पाटिल को बधाइयां देते हुए उनके आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। रमण शेठ घरत यांच्या निधनानंतर वहाल ग्रामपंचायत जनता मुक्ति समितीचे अध्यक्षपद हे रिक्त झाले होते। या अध्यक्षपदी निवड करण्यासाठी आजची बैठक आयोजित केली होती आणि या बैठकीत एकमताने रवींद्र विश्वनाथ पाटील त्यांची तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली, त्याबद्दल प्रथमतः मी त्यांचे आभार धन्यवाद। एक नवीन जबाबदारी एका तरुण रक्तावर आपण दिलेली आहे, ती जबाबदारी ते समर्थपणे पार पाडतील अशा प्रकारची आशा व्यक्त करत असताना ही ग्रामपंचायत तंटामुक्त म्हणून आदर्श ग्रामपंचायत असेल आणि तंटामुक्तीचा जो पारितोषिक आहे जिल्ह्याचा राज्याचा तो ग्रामपंचायतीला यांच्या कारकिर्दीत मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि त्यांच्या कार्यात त्यांना श्रेय चंद्र मी माझी आपली रजा घेतो। वही रविंद्र पाटील ने भी इस उपलब्धि पर अपनी भावनाएं हमारे कैमरे के सामने जाहिर की। आता मला तंटा मुक्ति संघटनेचा अध्यक्ष केल्याबद्दल मी सर्वांचा अत्यंत आभारी आहे आणि माझ्यावरती जी जबाबदारी सोपवली आहे
ती मी प्रामाणिकपणे पार पाडेल अशी मी सर्वांना ग्वाही देतो। सावन का महीना महिलाओं के लिए विशेष मायने रखता है क्योंकि इस महीने में बहुत से ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो ज्यादातर महिलाओं के लिए होते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है मंगला गौरी। मंगलवार को तक्का गांव के शेका पक्ष की शहर अध्यक्षा श्वेता बहिरा की अगुवाही में मंगला गौरी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत एकवीरा महिला मंडल, वागेश्वर महिला मंडल एवं गावदेवी महिला मंडल के संयुक्त प्रयासों से मंगलवार को चला खेलुया मंगला गौर इस कार्यक्रम का आयोजन तक्का स्थित संत सावतामाली सभागृह में किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए नगर सेविका सुलोचना कल्याणकर, महिला आघाड़ी की पूर्व अध्यक्ष माधुरी गोसावी, अध्यक्ष श्वेता बहिरा, पूनम कल्याणकर, नीता मंजुले आदि गणमान्य सहित महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। आइए नजर डालते हैं मंगला गौर कार्यक्रम पर। कार्यक्रम के बारे में महिला आघाड़ी की अध्यक्षा श्वेता बहिरा ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चरम सीमा पर पहुंचा अन्ना हजारे का आंदोलन, समर्थन में पनवेल में भी निकाली गई रैलियां। संस्कार प्रतिष्ठान का दही हंडी महोत्सव होगा गोविंदाओं के लिए आकर्षण का सबब, प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों का दावा। आयोजन की जानकारी देने के लिए बुलाई पत्रकार परिषद। एमएससीबी की मनमानी से परेशान तुरमाले गांव की जनता, कैमरे के सामने बयां किया मन का आक्रोश। और नगराध्यक्ष संदीप पाटिल की सराहनीय पहल, 15 लाख रुपयों की लागत से बनाई जा रही गटर योजना का बुधवार को हुआ भूमि पूजन। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 2745737338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।